मुरादाबाद के सिविल लाइन थाने क्षेत्र में नाले में एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और छानबीन के बाद युवक के शव को नाले से निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सर कचहरी पर तारीख पाएगा। अच्छा, आज क्या सूचना आपको मिली? सर आज यही पता चला है कि बॉडी मिली हमें जब आए तो हमारे पास। पिछले 3 दिनों से आप तलाश कर रहे थे इन्हें? हाँ सर, रबड़ चढ़ा रखी थी थाने मोगलपुर में। हाँ, पुलिस भी ढूंढ रही थी। हाँ, कुछ तो पता नहीं चल रहा। कोई रंजिश वगैरह थी किसी से? सर रंजिश तो बहुत है, बदमाश आदमियों को तो होती है। यही बदमाश थे? क्या कार्य काम करते थे? सर शीशा का काम था। अच्छा, पहले किसी मामले में थे ये लोग, आपराधिक मामले में? सर हाँ, पहले मर्डर करा थे। अच्छा, कितने साल पहले? 3-4 साल। तो उसी का मामला चल रहा था कोर्ट में? हाँ सर, उसी का मामला चल रहा है, वो अभी जिंदा है जिसका गोली मारी। अच्छा, अभी चेयर पे बैठा है। तो मर्डर नहीं हुआ था ना, मतलब प्रयास हुआ था? वो चेयर पे बैठा है, वो बच गया। क्या नाम है उसका? शपू नाम है। वो कहाँ के रहने वाले? हाफिज बनने के पुतिया। अच्छा, तो पहले कोई धमकी वगैरह मिली थी आप लोगों को? सर हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, क्या सब नाले में पड़ा है? क्या पूरा मामला है, क्या पहचान हो पाई और क्या कार्रवाई की जा रही है? एक सौ मिला है जिसके संबंध में हम लोग शव को निकलवा कर पंचायतनामा और जो पोस्टमार्टम की कार्रवाई होगी उसकी प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है। ऐसा कुछ लोग आए थे जो बता रहे हैं कि उसके परिवार का सदस्य था, जिसके संबंध में मुगलपुरा में गुमशुदगी दर्ज है। हम लोग उनसे जो भी उनके तहरीर देंगे, तहरीर के आधार पर हम मुकदमा पंजीकृत करके उसमें कार्रवाई कराएंगे। अभी कोई शुरुआती तौर पर जानकारी मिल पाई है कि किस मामले में था या क्या इसका आपराधिक इतिहास होता है? अभी कुछ इस तरह का नहीं है। परिजन अभी सब के साथ जो भी विधिक कार्रवाई होती है उसमें इन्वॉल्व है। जैसे ही वो कुछ तहरीर देते हैं वहाँ से विधिक कार्रवाई जो अभी स्टार्टिंग में होती है उसे निपटने के बाद जो भी तहरीर देंगे हम लोग उसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे। ठीक सर, थैंक यू।